हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि क्लास 11 से है। और ये जो वीडियो है ये इस सीरीज का पार्ट है। और अगर आपने शुरू की दो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमने काफ़ी सिलेबस उस वीडियो में कवर कर लिया, आप पहले जाके उन्हें देखिए, उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली जो टर्म है हमारी सीरीज में वो है परचेस, आज की जो सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं परचेस। द टर्म परचेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेस ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। मतलब परचेस उस टर्म को कहा जाता है कि जिस भी किसी भी चीज में हमारा बिजनेस डीलिंग होती है उसे क्या बोलेंगे, परचेस। उस चीज को, माल को खरीदना है, बेचना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लोथ डीलर परचेज द क्लोथ फॉर सेल, द क्लोथ सो परचेस्ड विल बी कॉल्ड गुड्स। मतलब अगर कोई इंसान कपड़े खरीदने में कपड़े की डीलिंग करता है तो कपड़े क्या उसके लिए गुड्स। अगर कोई जूते में डीलिंग करता है, शूज को सेल करता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, गुड्स। तो जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं वो क्या हो जाएगा, गुड्स। और गुड्स परचेज दो टाइप का होता है, आपको पता है, एक कैश परचेस होती है या फिर कोई क्रेडिट परचेस होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म एक और आती है परचेस रिटर्न। व्हेन परचेस गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेस रिटर्न। सच रिटर्न्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। मतलब जब भी कोई भी खरीदा हुआ माल अगर पसंद नहीं आता, या टोटल माल में से कुछ आइटम हमें वापस करनी पड़ती है अगर पसंद ना आने के कारण या खराब हो जाने के कारण, तो दैट विल बी कॉल्ड परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स। और बढ़ते आगे, तो बच्चों बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। तो याद रखना, डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। मतलब डेबिट और क्रेडिट किसी भी अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। If an account is to be credit, then the entry is posted to the credit side of the account. And if an account to be a debited, then the entry is posted to the debit side of the account. And it has been derived from an Italian word debito and credito. तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन है वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल रिसिप्ट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। मतलब किसी भी बिजनेस के लेन देन का लिए एक सबूत होना जरूरी है, और वाउचर ही एक ऐसा दस्तावेज है जो इस चीज का काम करता है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के, किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लेन देन का एक सबूत है, और वाउचर इस चीज को कवर करता है। तो ये है आगे, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ेंगे। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट। इट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट होता है किसी भी तरह का प्राइस में छूट मिलना, वो होता है डिस्काउंट। और ये दो तरह से होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और हम कह सकते क्रेडिट डिस्काउंट भी होता है कई बार, लेकिन मेन बेसिकली यही होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वन बारे आते हैं गुड्स की। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। मतलब गुड्स किसी भी फील्ड में उस सामान को कहा जाता है जिसे खरीदा ही किस लिए जाता है, बेचने के लिए। जैसे किसी की स्टेशनरी की दुकान है तो वो स्टेशनरी का सामान उसके लिए गुड्स कहलाया जाएगा। अगर किसी की इलेक्ट्रिक की दुकान है तो इलेक्ट्रिक आइटम, या किसी भी तरह का जो ऐसा सामान जो बेचने के लिए खरीदा गया है, दैट कॉल्ड गुड्स। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन बारे थे स्टॉक, और स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कोई भी सामान, कोई भी टेंजिबल एसेट्स जो कि बेचने के मकसद से रखी गई है, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक। और ये दो तरह से होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो इसे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बच्चों परचेस। नेक्स्ट वन है परचेस। द टर्म परचेस इज यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स
for resale or for producing the finished product which are also to be sold. मतलब purchase उस आइटम को कहा जाता है, मतलब कभी भी हम किसी भी आइटम को यूज करने के लिए खरीदते हैं या फिर उसे रीसेल करने के लिए खरीदते हैं उसे परचेज कहा जाएगा। और परचेज बच्चों दो टाइप का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। और पढ़ते हैं आगे, बहुत इजी है, आप इसे पढ़कर भी कर सकते हैं कवर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बच्चों नेक्स्ट वन है सेल। जिस तरह से हमने परचेज किया उसी तरह से सेल, द टर्म सेल इज एसोसिएट विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। These goods may be purchased or these goods may be purchased for resale or manufactured by the enterprises. मतलब सेल किसे कहा जाता है, सेल कहते हैं कि कोई भी आइटम जो कि बेचने के मकसद से रखा जाता है किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी बिजनेस में, उसे क्या बोला जाएगा, सेल। और ये दो तरह से होता है, कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल। और इसको हम क्या कहते हैं, सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल। और इसी के साथ ही कभी भी सेल किया हुआ माल वापस आ जाता है। मान लीजिए हमने कोई माल सेल किया, गुड्स होल्ड किया और वो पसंद ना आए और पार्टी उसे वापस करती है, उसे बोलेंगे सेल रिटर्न या फिर बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। इसी तरह से हमने परचेस में पढ़ा था, परचेस किया हुआ कोई भी माल हम वापस करते हैं उसे बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। और बढ़ते हैं आगे। लेकिन कई बार कुछ लोग अच्छे नहीं होते, वो क्या करते हैं, पैसे डुबा देते हैं, मतलब पैसे लेकर कोई भाग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बैड डेट। Bad debt is the amount owed to the business that is written off because it has become irrecoverable. It is a loss for the business and is thus debited to profit and loss account. मतलब bad debt एक ऐसा amount है जो कि हम ये मान चुके कि पैसा डूब चुका है, recover नहीं है, और इसे profit and loss account या debit side में लिखा जाएगा। और बढ़ते आगे। इसी तरह से बच्चों next one है, वो है insolvent। इंसॉल्वमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पूरी तरह दिवाली हो चुका है या पैसे चुकाने की हालत में नहीं है। इंसॉल्वमेंट इज ए पर्सन और इंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे हिट्स डेब्ट। एक ऐसा इंसान जो कि उस पोजिशन में नहीं है जो अपने कर्जे चुका सके, उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वमेंट। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी कंफ्यूज करता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हो। अब जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे बच्चों लास्ट से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म के काफ़ी चैप्टर हम लेट हो चुके हैं। सेकंड टर्म के जो लास्ट से अब हम उल्टा चैप्टर चलेंगे, जैसे 15, 14, 13, 12, 11, 15, 14, 13, 12, 11, इस तरह से हम चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप इसे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। और बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।